हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? कमेंट करके जरूर बताना कैसे हो आप सब लोग। इतने टाइम के बाद मैंने अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू की है और आप सब लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये अभी की है, ये लॉकडाउन से पहले की है। तब मैंने जो है अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन आप लोग साथ शेयर नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने जो है शुगर के कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। मैंने आज तक कभी भी शुगर के कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, तो मेरा मन था कि हाँ भाई, शुगर की लिपस्टिक ये सब चीज मुझे ऑर्डर करनी है। तो मैंने जो है यहाँ पर शुगर की मिनी लिपस्टिक मंगवाई हुई थी, उसके बाद मैंने मस्कारा मंगवाया हुआ था और भी मैंने एक दो सामान और मंगवाए हुए थे। तो मुझे जो है लगा, वही होते सब ऐसे ही होते हैं कि कोई भी चीज आ जाए, लगा के पहले सबसे पहले देखना है कि बैठ के वो कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो न्यूड शेड थी उसमें शुगर के में, और एक जो है वो थी बहुत ज्यादा डार्क डार्क सी, लेकिन मैंने जो है न्यूड शेड वाली मंगवाई हुई थी, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी लगाने में। इसका जो है फुल रिव्यू मेरे सेकंड चैनल पे आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग जरूर देखना। तो ये वाली कैसी लग रही है कमेंट करके भी जरूर बताना। तो ये जो है अब 9 मार्च का ये व्लॉग है, क्योंकि मैंने जो है उस दिन कर्फ्यू, मतलब जो दिए जलाए थे उस दिन जो है मैंने अपना व्लॉग बनाया था। तो यहाँ पे जो है मैं बैंगन का भुर्ता बना रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके से बैंगन का भुर्ता नहीं बनाया है, हमेशा मम्मी को ही बनाते हुए देखा है। तो मैंने जो है इसमें सरसों का तेल लगा लिया है बैंगन के भुर्ते में, बीच में काट के उसमें जो है थोड़ा सा गार्लिक, मतलब लहसुन को डाल दिया, क्योंकि उसकी जो स्मेल आती है ना, भुनी स्मेल, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी वजह से दोनों गैस पे एक एक करके मैंने रख दिया है और छीला है फिर इसे। बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन खाने में सच में बहुत टेस्टी लगता है। अगर पापा नहीं खाते हैं मेरे बैंगन का भुर्ता, लेकिन इस तरीके से अगर मैं बनाया मैंने, तो उन्हें भी काफी ज्यादा पसंद आया था ये भुर्ता। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना इसे बनाने के लिए। तो मैंने जो है सारा बैंगन जो है छील लिया है, उसके ऊपर का जितना भी छिलका है बहुत आसानी से छिल जाता है, आराम से छिल गया। तो यहाँ पे जो है मैं जीरा डाल रही हूँ और मैंने जो है गार्लिक डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से भून लूंगी और फिर अपना यहाँ पे प्याज डालूंगी। सब चीज मसाले डालने के बाद फिर जो है इसे बना लेंगे अच्छे से। थोड़ा अगर हो सके ना तो समझ जा रहे हो, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो यहाँ पे जो है मैंने 3-4 साबुत लाल मिर्च डाल दिए, क्योंकि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना मिर्च चटपटा आप लोगों को पता ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हर चीज़ें ना अब लिमिटेड हो गई है लॉकडाउन की वजह से, शायद अब लॉकडाउन सुनने में आ रहा है कि बढ़ भी गया है। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा वो वाली कश्मीरी लाल मिर्च जो है मैंने यहाँ पे डाल दी है, जिससे जो है हल्की सी ही डाली, जिससे जो है हमारा खाने का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से सारे साबुत मसाले इसमें डाल दूंगी, धनिया मिर्च हल्दी, और इन्हें अच्छे से चला लूंगी। उसके बाद जो है इसमें अपना जो बैंगन मैंने काट के रखा हुआ था, पहले से ही भुना हुआ था, वो वाला मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो है इसे 4-5 मिनट के लिए या ढक के रख दूंगी, जिससे ये हल्का हल्का सा और हो जाए, और ऊपर से फिर हरा धनिया काट के डाल दूंगी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने हल्का सा गरम मसाला और नमक ऐड किया है। मैं स्टार्टिंग में नमक ऐड करना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई, और यहाँ पे थोड़ा हरा धनिया डाला है, और उसके बाद ये बन के हमारा तैयार हो गया है। देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा था, लेकिन खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सब लोगों को बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगा है खाने में। आज है 5 अप्रैल और आज जलाने हैं हम लोगों को दिए, मोमबत्ती सब जला दूंगा। दिमागी हालत ठीक नहीं है। इधर आ, कौन जली ले वाला पल्ले वाला यही तो सही है, गोरा आएगा गर्मी ले रहे क्या होगा। आज है 5 अप्रैल, तो आज बजे, आज बजेंगे, आज जलेंगे दिए
और उसी का हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। मतलब बड़ा मजा आएगा जलाने में ना, सब इंतजार कर रहे हैं। और सब बताइए भैया, सब ने जलाया नहीं जलाया? सब नहीं जलाएंगे, सब बंद कर गए। हाँ, आज बहुत दिन बाद मैंने अपने व्लॉगिंग कंटिन्यू किया है तो मुझे अच्छा सा महसूस हो रहा है। सागर को देखो कैसा होता जा रहा है, झबरू सा, तो हालत बेकार हो गई। और सब चीज बंद है ना, तो इसलिए इसकी बाल भी असलियत सामने आ रही है। मैं तो देख अभी कोई ना, अभी स्मार्ट लग रहा हूँ, बस थोड़ी 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 मूछें ही तो आ रही है, और क्या हो रही है? नहाया ना तू आज? ना मैं चिढ़ाती, नहाया ना तू आज? ना मजाक ले रहा है, रोज नहाया मैं तो मजाक। ए अभी सांगी, जब भी मम्मी मुझे कहती है कि खाना वाना जो है हमारा, मैंने बैंगन का भुर्ता बनाया था वो बन गया है। और उसके बाद जो है अब जब 9 बज जाएंगे तब जलाएंगे दिए। तैयारी करके रख रखे, हाँ सब चीज तैयार करके रख रखे। मैं तो मोमबत्ती जलाऊंगी। हाँ कुछ मोमबत्ती कुछ दिए, मैं सिलेंडर जलाऊंगा। चल तभी ये नई बात लगा। जब थाली बजाने का आया तो टिकटॉक पे देखा मैंने, सब ना थाली फाड़ रखी बीच में। आज दियो का पता नहीं क्या कांड करेंगे सब, दियो के साथ भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ चलो देखो। बहुत सारे दिए जलाए हैं, आप लोगों ने भी जलाए होंगे। काफी ज्यादा मन लगा था क्योंकि घर में रहते रहते इतना मन नहीं लगता है, लेकिन ऐसे जो हमने किया उस दिन थाली बजाई थी और आज ये किया, काफी मन लग रहा था। तो ये था मेरा आज का खाना, यहाँ पे है बैंगन का भुर्ता, रायता और रोटियां, आप लोग भी खा लीजिए। तो यही था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना,